संवत 1385 के किस अभिलेख में हरियाणा की धरती पर स्वर्ग के समान बताया गया है? यानी एक क्वेश्चन ये है कि संवत 1385 के किस अभिलेख में हरियाणा को धरती पर स्वर्ग के समान बताया गया है? तो दोस्तों ये बताया गया है सारवन अभिलेख दिल्ली। तो यहाँ पे सारवन अभिलेख दिल्ली जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जाना आप। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हरियाणा के किस स्थान पर सबसे पहले खेती के प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों आपको बता दूं, हरियाणा में सीसवाल जो कि हिसार में आता है, वहाँ पे जो है हरियाणा में सबसे पहले खेती के प्रमाण मिले हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर देना। SWSC यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार। एक क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कहाँ स्थापित की गई? तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, हरियाणा में जो आर्य समाज की पहली शाखा स्थापित की गई है, ये की गई है 1880 में रेवाड़ी में, और रेवाड़ी को दोस्तों पीतल नगरी भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 10 अप्रैल सन 1919 में महात्मा गांधी को किस स्टेशन से गिरफ्तार किया गया? तो दोस्तों ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका उत्तर हो जाएगा पलवल। जी हाँ, पलवल जिले से जो है ना 10 अप्रैल सन 1919 में महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था पलवल स्टेशन से, और पलवल जो है ये हरियाणा का 21वां जिला भी है। ठीक है फ्रेंड्स, एक प्रश्न है 505 नंबर, हरियाणा के किस प्राकृतिक भाग का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SWSC यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछ चुका है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन वो पूछ रहा भी है। अगर बात करें दोस्तों हरियाणा के मैदानी भाग की, तो ये जो है ना वो प्राकृतिक भाग का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी जो मैदानी भाग है ना वो हरियाणा में सबसे अधिक क्षेत्रफल में है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, गिरिपाद मैदान किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिरिपाद मैदान की बात करें तो ये हरियाणा में शिवालिक पर्वत क्षेत्र को जो है वो गिरिपाद मैदान कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक प्रश्न ये आपका, हरियाणा के किन जिलों में गिरिपाद मैदान स्थित है? तो ये यमुनानगर, अम्बाला और पंचकुला में। ठीक है फ्रेंड्स, एक प्रश्न है आपका, हरियाणा के जलोढ़ मैदान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हरियाणा के जलोढ़ मैदान को कहा जाता है बांगड़ हम ऐसे बोलते हैं, पर लिखा जाता है इसे बांगर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू नगर किस नहर से निकली है? तो दोस्तों ये निकली है भाखड़ा नहर से, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ के जाना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा की सबसे प्राचीन और प्रमुख नहर कौन सी है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हरियाणा की सबसे प्राचीन और प्रमुख नहर है ये है पश्चिम यमुना नहर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में साल के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट करता है SWSC इस प्रश्न को, तो ये पाए जाते हैं कलेसर घाटी जो कि यमुनानगर में है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिलना पत्थर हरियाणा के किस स्थान पर पाया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, SWSC यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, पर बहुत कैंडिडेट को ये पता नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना बहुत आउट ऑफ सा है, पर ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए अगर आप कॉन्स्टेबल एग्जाम देने जा रहे हो। कि हिलना पत्थर की बात करें दोस्तों, तो ये पाया जाता है कलियाना गांव में जो कि भिवानी जिले के अंदर आता है। ठीक है फ्रेंड, और भिवानी को जो है ना मुक्केबाजी की शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व है? तो दोस्तों बात करें जो पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व की, तो ये है सिरसा जिले में। और दोस्तों सिरसा ज़िला है ना ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला है, पर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला है, और जनसंख्या घनत्व भी सबसे कम सिरसा में ही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सतकुंभा का मेला कहाँ लगता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर सतकुंभा की मेला की बात करूँ तो ये लगता है खेड़ी गुजर गाँव जो कि सोनीपत में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, सराय अलावर्दी मस्जिद कहाँ स्थित है? और ये क्वेश्चन भी SWSC ने एक बार पूछ रखा है। बात करें दोस्तों सराय अलावर्दी की, तो ये है गुरुग्राम के अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ दोस्तों, ये जो सराय अलावर्दी मस्जिद है ना ये गुरुग्राम के अंदर आती है, और ये बनवाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो बनवाई थी इसको। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है आपके लिए, ठाकुर द्वारा कहाँ स्थित है? बात करें दोस्तों ठाकुर द्वार की, ये स्थित है कुतानी गाँव जो कि झज्जर ज़िले में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये है पानीपत में। आपको मालूम होगा पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, तो वहाँ पे क्या हुआ था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया था, जिसके कारण क्या हुआ था, पानीपत में इसका मकबरा बना दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, देवी तालाब मंदिर पानीपत का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों बात करें देवी तालाब मंदिर पानीपत की, तो इसका निर्माण कराया था मंगल रघुनाथ नामक मराठा सरदार ने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 519 नंबर, 1398 में फतेहाबाद सिरसा और करनाल में किसने लूटपाट की थी? तो ये की थी तैमूर लंग ने। नेक्स्ट प्रश्न है, सैथानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सैथानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था वर्धन वंश के राजा पुष्यभूति द्वारा, जो हर्ष का वंशज था।
ठीक है फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पुष्य भूति से क्वेश्चन जो है वो बनता है, HWSC यहाँ से पूछती है बार बार प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, कुरुक्षेत्र में गीता भवन किसने बनवाया था? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा रीवा के महाराजा द्वारा 1921 में बनाया गया था। यानी कुरुक्षेत्र में जो गीता भवन बनवाया गया था, ये बनाया गया था रीवा के महाराजा द्वारा 1921 में बनवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 522 नंबर, कुरुक्षेत्र में स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर को किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था बाबा सरवणनाथ ने, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 523 नंबर प्रश्न है हमारा अगला, माता मनसा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, माता मनसा देवी मंदिर स्थित है पिंजौर, जो कि आता है पंचकुला में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर भारत का नंदनवन किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये कहते हैं यादवेंद्र उद्यान को, यानी यादवेंद्र गार्डन की बात कर रहा है। और दोस्तों यादवेंद्र गार्डन है ना, ये पिंजौर के अंदर आता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पहाड़ियों की रानी किसे कहते हैं? तो दोस्तों पहाड़ियों की रानी कहा जाता है मोरनी हिल्स को, जो कि पंचकुला में आती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2016-17 का हरियाणा का बजट कितने रुपए का है? तो दोस्तों वर्ष 2016-17 के हरियाणा की बजट की बात करें ना, तो ये है लगभग 88,781.96 करोड़ रुपए। जी हाँ फ्रेंड्स, 88,781.96 करोड़ रुपए जो है ना हरियाणा का 2016-17 का बजट है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से भी प्रश्न HWSC पूछती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ थी? तो ये थी दोस्तों केथल में। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2015 में जन्मे बच्चों में हरियाणा का लिंगानुपात कितना रहा? तो ये रहा है 903, काफ़ी सुधार हुआ है। 2011 की बात करें तो 879 था, और 2015 में ये बढ़कर हो गया है 903, और 2016 की जनगणना की बात करें तो ये बढ़कर हो गया है 914 से 916, तो काफ़ी सुधार हुआ है, जिसके लिए राष्ट्रपति ने सम्मानित भी किया हरियाणा प्रदेश को। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है श्री जगबीर सिंह जी को। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में मनरेगा कब और किन जिलों में लागू हुआ? ये हुआ था 2 फरवरी 2006 में महेंद्रगढ़ और सिरसा ज़िले में जो है वो मनरेगा सबसे पहले लागू हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपका, हरियाणा के सभी ज़िलों में मनरेगा कब लागू हुआ? दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बात करें हरियाणा के सभी ज़िलों में मनरेगा की, तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2008 से, यानी 1 अप्रैल 2008 से जो है ना हरियाणा के सभी ज़िलों में मनरेगा लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सलामती योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है परिवार नियोजन से। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा तिलक समाचार पत्र किसने शुरू किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना, ये किया था श्रीराम शर्मा जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के श्री दंगल का हरियाणा सरकार द्वारा कहाँ आयोजन किया गया? तो बात करें दोस्तों हाल ही में भारत के श्री दंगल हरियाणा की, तो ये किया गया था आयोजन चौधरी देवीलाल स्टेडियम, जो कि गुरुग्राम में है। अब यहाँ पे भी कन्फ्यूज होते हैं बच्चे कि चौधरी देवीलाल स्टेडियम जो है ना वो कहाँ कहाँ स्थित है, तो ये दो जगह स्थित है, एक गुरुग्राम में है, एक जो है ना ये पंचकुला में है। और मैंने स्टेडियम पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ट्रिक वाइज सभी स्टेडियम आपको करवाए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत के श्री दंगल का विजेता कौन रहा? दोस्तों ये रहा है मौसम खत्री, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के श्री विजेता को कितनी राशि पुरस्कार में दी गई? तो ये दी गई है 1 करोड़ रुपये। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे चौधरी चांद राम। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में फरीदाबाद में बन रही स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी का क्या नाम होगा? ये होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपका, 539 नंबर, गुड़गांव का नाम बदलकर क्या रखने का हाल ही में फैसला लिया गया है? तो ये तो सबको ही मालूम होगा, गुरुग्राम कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेवात ज़िले का नया नाम क्या रखने का फैसला लिया गया है? तो ये लिया गया है नू। जी हाँ फ्रेंड्स, और मेवात ऐसा ज़िला है जहाँ पे एक भी जो है वो रेलवे लाइन नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये है कुरुक्षेत्र में। अगर आपको भगवान से रिलेटिव कोई भी प्रश्न दिखाई दे तो आपको कुरुक्षेत्र ही करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा लड़का गूगल बॉय के रूप में प्रसिद्ध है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 8 वर्षीय कौटिल्य, सभी जानते होंगे, सभी ने इंटरनेट पे इस बच्चे की वीडियो देखी होगी। ये जो 8 वर्षीय बच्चा बालक कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी बुद्धि जो है वो बहुत ही खतरनाक है। नेक्स्ट प्रश्न है, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों ये हुई थी 8 मार्च 2015 को। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा BPL परिवारों को
पहली बेटी के जन्म पर तथा अन्य परिवारों को दूसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये लड़की के नाम बैंक में जमा करवाए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 544 नंबर प्रश्न, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा पंचकुला में। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में किस स्थान पर महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा मुंदड़ी, जो कि केथल में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में स्टेट साइबर क्राइम ब्रांच का पहला थाना कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया गुड़गांव में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के कुल भूभाग का अधिकतम भाग किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है मैदानी भाग के अंतर्गत, 97% लगभग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है 548 नंबर, सबसे पहले हरियाणा को पंजाब से काटकर दिल्ली में मिलाने की मांग किसने की थी? तो ये की थी पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने, 1926 में की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 548 नंबर, सबसे पहले हरियाणा को पंजाब से काटकर दिल्ली में मिलाने की, ये मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं 549 नंबर प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये है पंचकुला। पर दोस्तों अब जो है लेटेस्ट में बता दूं आपको, ये है सिरसा। जी हाँ, सिरसा जो है ना वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे हरियाणा का छोटा ज़िला है, पंचकुला नहीं है अब। नेक्स्ट प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? ये फरीदाबाद है। और बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला, तो भी फरीदाबाद ही करना है। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से तब सबसे बड़ा ज़िला, तो भी फरीदाबाद ही करना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका किसकी रचना है? तो ये तीनों ही हर्षवर्धन की रचना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक रचना डेफिनेटली आपकी पूछी जा सकती है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रंथ दिव्यावदान में हरियाणा के किन नगरों का वर्णन है? तो ये है रोहतक और अग्रवा का, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है SEE ने। नेक्स्ट प्रश्न है 553 नंबर, संदेश पत्रिका का भिवानी से प्रकाशन किसने किया था? तो ये किया था पंडित नेकीराम शर्मा ने। अगला प्रश्न है, लोहाचार्य नामक जैन विद्वान का संबंध किस नगर से था? तो दोस्तों इनका जो संबंध था वो था अग्रवा से, और अग्रवा जो है ना ये आता है हिसार में, और हिसार को कहा जाता है स्टील सिटी, क्योंकि जिंदल स्टील भी हिसार के अंदर ही है। और अग्रवा में जो है ना महाराजा अग्रसेन जी का जन्म भी हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 555 नंबर, सूग अभिलेख जो समस्त भारत में बारखड़ी की लिखाई का सबसे पुराना नमूना माना जाता है, कहाँ से मिला था? तो ये मिला था जगाधरी से। अगला प्रश्न है, कृष्ण शासकों व समुद्रगुप्त के सिक्के कहाँ से मिले? तो ये मिले थे मिताथल भिवानी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला प्रश्न है, साहिबी या साबी कृष्णावती दोहान इंदौरी हरियाणा के किस क्षेत्र की नदियाँ हैं? तो ये है दक्षिण हरियाणा की। अगला प्रश्न है, स्लेट पत्र के लिए प्रसिद्ध कुंड की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में हैं? तो ये है रेवाड़ी जिले में। अगला प्रश्न है, हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है? तो ये लगभग 81% जो है ना बिल्कुल राइट आंसर होगा, या 82%। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी ऑप्शन में मिले आपको टिक करना है, दोनों कभी नहीं मिलेंगे। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस स्थान पर हाथी पुनर्स्थापन एवं अनुदान केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है बनन संतौर, जो कि यमुनानगर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के पाँचवें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया मुकुल जी अशर को। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के किस स्थान पर हाथी पुनर्स्थापन एवं अनुदान केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये प्रश्न मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे रिपीट हो गए एक दो प्रश्न, माफ़ी चाहता हूँ मैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, हरियाणा पुलिस के DGP कौन है? तो ये हैं BS सिंधु। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने किन दो राज्यों के साथ रेलवे ट्रैक के दोनों ओर पेड़ लगाने हेतु समझौता किया है? तो ये किया हरियाणा और पंजाब में। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में कृषि विभाग को अब किस नाम से जाना जाएगा? दोस्तों ये जाना जाएगा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है अंजनथली, जिला करनाल में। नेक्स्ट प्रश्न है 566 नंबर, हरियाणा के विद्यालयों में इस वर्ष से कौन सी परीक्षा प्रणाली समाप्त की कर दी गई है? ये की कर दी गई है सेमेस्टर प्रणाली। अगला प्रश्न है 567 नंबर, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार का दक्षिणी हरियाणा में क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रीवासा, जिला महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में उर्दू अकादमी की पत्रिका का क्या नाम है? तो दोस्तों हरियाणा में उर्दू अकादमी की पत्रिका का नाम है जमुना तट। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी पंचकुला की पत्रिका का क्या नाम है? तो ये है शब्द बूंद। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा संस्कृत अकादमी की मासिक पत्रिका का क्या नाम है? ये है हरिप्रभा। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा साहित्य अकादमी की मासिक पत्रिका का क्या नाम है? हरिगंधा।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हरिगंधा वाला, इसको अंडरलाइन कर लेना। अगला प्रश्न है हमारा 572 नंबर, हरियाणा ग्रंथ अकादमी की मासिक पत्रिका का क्या नाम है? तो ये है कथा समय और सप्त सिंधु। अगला प्रश्न है साहित्यकार पंडित माधव प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ हुआ? तो ये हुआ था गांव कुंगड़, जिला भिवानी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सभी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 574 नंबर, मूर्धन्य संपादक बाबू बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ हुआ? तो ये हुआ था गांव गुड़ियानी, जिला रेवाड़ी में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, इसको ज़रूर याद करके जाना। नेक्स्ट प्रश्न है 1952 में हिंदी रुबाइयाँ पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी उदय भानु हंस ने। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है सूरदास किस बोली में रचना करते थे? तो ये करते थे ब्रज में। नेक्स्ट प्रश्न है सूरदास किस रस के सम्राट माने जाते थे? तो ये माने जाते थे वात्सल्य रस के। अगला प्रश्न देखिए 578 नंबर, सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी किसकी रचनाएं हैं? तो ये सूरदास की है। नेक्स्ट प्रश्न है सूरदास किसके समकालीन थे? तो ये थे मुगल सम्राट अकबर के। ये प्रश्न SWSC बहुत बार पूछ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है करनाल के अंजनथली में बन रहे बागवानी विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा गया है? तो ये रखा गया महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका, प्रश्न है आपका 581 नंबर, हरियाणवी बोली या बांगरू बोली और ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है किशोरी महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये पूछ चुका है SWSC, और ये है होडल जो कि पलवल ज़िले में। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जैन आचार्य श्रीधर जी को। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है रोहतक में अस्थल भोहर मठ की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बाबा चौरंगीनाथ ने, और ये भी SWSC ने प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध संत बाबा मस्तनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कंसरेटी रोहतक ज़िले में। अगला प्रश्न है हरियाणा में IIM कहाँ है? तो ये है रोहतक में। अगला प्रश्न है हरियाणा में सूफी काव्य परंपरा के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों फरीदुद्दीन सकरगंज को। यहाँ पे जो आपका फरीदुद्दीन सकरगंज है ना, उन्हें जो है हरियाणा में सूफी काव्य परंपरा के प्रवर्तक जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध सूफी संत बू अली शाह कलंदर का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था पानीपत में। ठीक है फ्रेंड्स, और पानीपत को दोस्तों बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है गरीबदास पंथ के संस्थापक संत गरीबदास का जन्म हुआ था? तो ये हुआ था छुड़ानी गांव जज्जर में, और ये भी SWSC पूछ चुका है एग्जाम में, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है संत निश्चलदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कुंगड़ गांव भिवानी के अंदर। अगला प्रश्न है सतनामी पंथ के संस्थापक कौन थे? तो ये थे वीरबान। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना। अगला प्रश्न है हरियाणा में नागरिक उड्डयन संस्थान कहाँ है? ये है करनाल ज़िले में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है आपको ये प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है हरियाणा पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये तो मैं नहीं है, इसको तो भूल ही मत जाना, पंचकूला में है, क्योंकि हरियाणा पुलिस का पेपर देने जा रहे हो तो उसका मुख्यालय तो आपको मालूम ही होना चाहिए। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपको बताना है कि RBI बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जिसको भी उत्तर मालूम है कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देना। अगला प्रश्न आपका 594 नंबर, हरियाणा का नया निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ये है विजय सिंह दहिया। अगला प्रश्न है हरियाणा पुलिस का प्रशिक्षण केंद्र सुनारिया किस जिले में है? तो ये है रोहतक ज़िले में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है नर नारायण गुफा किस ज़िले में है? ये है यमुनानगर में। ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें नर नारायण गुफा की, तो ये आपके यमुनानगर ज़िले में है, इसको आप कभी मत भूल जाना। ये लाइफ टाइम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कोई भी परीक्षा दे लो हरियाणा किस रिलेटिव, ये क्वेश्चन जरूर वहाँ से आने के चांसेस बन जाते हैं। अगला प्रश्न है हरियाणा शतरंज संघ की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1983 में, और 1983 में याद होगा भारत देश ने अपना पहला प्रथम वर्ल्ड कप भी जीता था कपिल देव की कैप्टनसी में। नेक्स्ट प्रश्न है असीगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो ये है हांसी में। अगला प्रश्न है अनूप कुमार का संबंध किस खेल से है? तो ये है कबड्डी से। और आखिरी प्रश्न है 600 नंबर प्रश्न इस वीडियो का, हरियाणा का 2016-17 का बजट कितने का है? तो ये दोस्तों ये रिपीट हो गया है, माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको बता दिया था, एक बार फिर सुन लो, 88,781.96 करोड़ का जो है ना हरियाणा का 2016-17 का बजट है।